Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, children, this is your maths book, numbers workbook. In maths, today we are going to learn about bigger and smaller numbers, which is given on page number 80. So, children, आज हम मैथ में बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं जो कि पेज नंबर 80 पर दिया गया है. नाउ चिल्ड्रन लेट अस लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. नाउ चिल्ड्रन कैन यू सी दीज टॉफीज ऑन द टेबल. ये जो मैम ने टेबल पर टॉफीज रखी हैं आप इनको देख पा रहे हो ना. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, आप ये बता सकते हो. यस, ये वाली टॉफीज ज़्यादा है और ये वाली टॉफीज कम है. इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है और इनकी क्वांटिटी कम है. सो चिल्ड्रन आज हम बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं. सो बिगर मीन्स ज़्यादा और बड़ा. बिगर का क्या मतलब होता है, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो बड़ा नंबर होता है, जो बड़ा होता है. और स्मॉलर मीन्स छोटा और जिनकी क्वांटिटी कम होती है. ओके चिल्ड्रन नाउ काउंट दीज टॉफीज विद मैम. 1, 2 दीज आर टू टॉफीज. मैम ने यहाँ पर नंबर 2 लिखा है, ये 2 टॉफीज हैं. नाउ काउंट विद मैम. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 दीज आर 7 टॉफीज. ये 7 टॉफीज हैं. मैम ने यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है, 7. 7 टॉफीज, सो 7 लिखा है. 2 टॉफीज, सो मैम ने यहाँ पर 2 लिखा है. अभी आप मैम को बता सकते हो विच इज द बिगर नंबर, इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है. यस, 7 इज बिगर. जो 7 है ये बड़ा है क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है. ये टॉफीज की क्वांटिटी ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में. सो हम बोलेंगे 7 इज बिगर देन 2 एंड 2 इज स्मॉलर देन 7. 7 जो है वो 2 से बड़ा है, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है. 2 जो है वो 7 से छोटा है क्योंकि इन टॉफीज की क्वांटिटी जो है वो कम है. नाउ चिल्ड्रन लुक हियर, दीज आर क्रियॉन्स. ये क्या है, आपके क्रियॉन्स हैं. सो चिल्ड्रन काउंट करेंगे ये कितने क्रियॉन्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 दीज आर 6 क्रियॉन्स. मैम ने यहाँ पर 6 लिखा है, ये कितने क्रियॉन्स हैं, 6. नाउ काउंट विद मैम. 1, 2, 3 ये कितने क्रियॉन्स हैं, 3. 3 क्रियॉन्स, सो मैम ने यहाँ पर 3 लिखा है. नाउ चिल्ड्रन टेल मी विच वन द बिगर नंबर, 6 और 3. 6 की क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर 3 की क्वांटिटी ज़्यादा है, आपको कौन से वाले क्रेयॉन्स हैं जो लग रहे हैं ज़्यादा हैं. यस, 6 इज बिगर देन 3. 6 की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम बोलेंगे 6 इज बिगर देन 3. 3 इज स्मॉलर देन 6. 6 जो है वो 3 से बड़ा है क्योंकि इन क्रेयॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है. और 3 जो है वो 6 से छोटा है क्योंकि इन क्रेयॉन्स की क्वांटिटी कम है. ओके चिल्ड्रन, सो 6 इज बिगर देन 3, 3 इज स्मॉलर देन 6. नाउ चिल्ड्रन टेक आउट योर नंबर्स वर्कबुक एंड ओपन बुक पेज नंबर 80. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स. एंड चिल्ड्रन Today's date is 21st of January 2022. 21-1-2022. 21 is the date, 1 first month of the year, January, and 2022 is the year. And children, today's day is Friday. Today is Friday. Friday ko hum Hindi mein bolte hain Shukravar, din Shukravar. Now children, see and understand. तो आज हम बिगर एंड स्मॉलर नंबर के बारे में सीखने जा रहे हैं. यहाँ पर लिखा है 5 इज स्मॉलर देन 9. जो 5 है
वो बोला गया है कि 9 से छोटा है. सो हम देखते हैं कैसे छोटा है. हम यहाँ पर 5 है तो 5 सर्कल लगाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. ये 9 लिखा है, यहाँ पर 9 सर्कल लगाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अभी हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिनके सर्कल की क्वांटिटी ज़्यादा है. ये वाली ज़्यादा है ना, ये फिर बिगर हुआ और ये स्मॉलर है. 5 इज स्मॉलर देन 9. सो यहाँ पर 5 को सर्कल किया गया है. ऐसे चिल्ड्रन यहाँ पर लिखा है 7 इज बिगर देन 1. जो 7 है वो 1 से बड़ा नंबर है. सो 7 है तो हम लाइंस भी लगा सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1 के ऊपर 1 लाइन. जितना नंबर लिखा है उतनी लाइंस लगाएंगे. अभी देखो ये वाली जो 7 लाइंस लगाई हैं इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है और ये कम है. सो 7 इज बिगर देन 1. 7 जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 7 को सर्कल किया गया है. नाउ चिल्ड्रन आर टूडेज वर्कशीट इज सर्कल द बिगर नंबर इन ईच पेयर. यहाँ पर देखो हर रो में हमें एक एक पेयर दिया गया है. इनमें से जो बिगर नंबर होगा हमें उसे सर्कल करना है. ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पर हमें दिया है नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 5. सो 3 है तो 3 सर्कल लगाएंगे. 1, 2, 3. ऐसे बेटा आपको ईजी हो जाएगा अगर आप सर्कल और लाइंस लगा कर करोगे. एंड 5 है तो इसके ऊपर 5 सर्कल लगाएंगे. 3, 4, 5. सो अभी देखो कौन से जो सर्कल्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है. यस, 5 सर्कल की क्वांटिटी ज़्यादा है. ये ज़्यादा सर्कल हैं, ये कम सर्कल है, इनके कंपैरिजन में ये कम है. सो बिगर नंबर इज 5. फिर कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 5 इज बिगर नंबर. सो वी हैव टू सर्कल द नंबर 5. नाउ चिल्ड्रन सी द नेक्स्ट, दिस इज नंबर 6 एंड दिस इज नंबर 1. सो हम यहाँ पर 6 सर्कल लगाएंगे पहले. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एंड देन 1 के ऊपर 1 सर्कल लगाएंगे. ओके, सो अभी मैम को बताएंगे विच इज़ द बिगर नंबर. इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो बड़ा है? यस, 6 इज बिगर देन 1. 6 जो है वो 1 से बड़ा है. 6 नंबर जो है वो 1 से क्या होता है? बड़ा होता है. इनके सर्कल की क्वांटिटी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है. ऐसे ही चिल्ड्रन आप ये वाला और ये वाला भी करोगे सर्कल या फिर लाइंस लगाकर 10 और 9 में से कौन सा बड़ा नंबर है उस पर सर्कल लगा उस पर सर्कल लगाओगे. देन 6 एंड 8 में से कौन सा नंबर बड़ा है उन पर सर्कल लगाओगे. नाउ सी द नेक्स्ट, सर्कल द स्मॉलर नंबर इन ईच पेयर. फिर से हमें यहाँ पर पेयर दिए गए हैं, हमें जो स्मॉलर है जो छोटा है उसे सर्कल करना है. ओके चिल्ड्रन, सो फिर से हमें 3 एंड 5 दिया गया है. सो हम 3 के ऊपर 3 सर्कल्स लगाएंगे, 5 के ऊपर 5 सर्कल्स लगाएंगे. नाउ टेल मी विच वन इज स्मॉलर, कौन सा कम है क्वांटिटी में, कौन सा छोटा नंबर होगा. जिनकी क्वांटिटी कम होती है वो नंबर छोटा होता है. सो ये वाले जो सर्कल्स हैं इनकी क्वांटिटी इनके कंपैरिजन में कम है. सो हमें स्मॉलर वाले को सर्कल लगाना है. वी हैव टू सर्कल द नंबर 3 हियर. नाउ नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज नंबर 8 एंड दिस इज नंबर 6. अभी हम लाइन लगाएंगे. 1, 2, आप लाइन सर्कल कुछ भी लगा सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये 8 लाइंस लगाई हैं हमने. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यहाँ पर हमने 6 लाइंस लगाए हैं. नाउ चिल्ड्रन टेल मी विच वन इज स्मॉलर. अभी बताओ दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो छोटा है, कौन सा स्मॉलर नंबर है, किसकी क्वांटिटी कम है. 8 लाइंस के कंपैरिजन में 6 लाइंस की क्वांटिटी जो है वो कम है. सो चिल्ड्रन वी हैव टू सर्कल द नंबर 6 हेयर. हमें यहाँ पर नंबर 6 को सर्कल करना है. 6 जो है वो 8 से छोटा है. इन लाइंस की क्वांटिटी इनके कंपैरिजन में कम है. ऐसे ही आप 8 एंड 9 एंड 10 में से जो स्मॉलर नंबर है उनमें सर्कल करोगे. 4 एंड 7 में से जो स्मॉलर है उनमें सर्कल करोगे सर्कल या फिर लाइंस लगाकर. ओके चिल्ड्रन,
Now it's your turn. Complete this worksheet neatly and send it to ma'am. Thank you, children. Have a nice day. Bye-bye.